In this session, we will solve another numerical of pump calorimeter, that is determination of calorific value of a fuel which is burnt in pump calorimeter. Welcome everyone, this is Dr. Anjali Saxena. I welcome you all. So, aaj ke session mein hum दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बॉम कैलोरी मीटर का। बॉम कैलोरी मीटर से किस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं और इसके वेरियस जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं फ्यूल के, इससे पहले वो मैं अपने दूसरे सेशंस में या दूसरे वीडियोस में समझा चुकी हूँ जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जरा देख लेते हैं, बॉम कैलोरी मीटर के दो तरीके के फॉर्मूले हमने देखे हैं। एक तो हमने देखा था विद करेक्शन और एक हमने देखा था विदाउट करेक्शन। तो स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है ये है फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरी मीटर विदाउट करेक्शन। तो अगर हमें फ्यूल का कोई भी डिटेल नहीं दी है करेक्शन की, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर हमें करेक्शन की कोई भी डिटेल दी हुई है तो इस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। लेकिन आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी विदाउट करेक्शन वाला है। विद करेक्शन वाले न्यूमेरिकल हम अपनी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको कहा हुआ है 0.72 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फ्यूल। तो x की वैल्यू आपको दी हुई है 0.72 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फ्यूल कंटेनिंग 80% ऑफ कार्बन। आगे पढ़ते हैं इसको भी, व्हेन बर्नड इन बॉम कैलोरीमीटर। तो 80% कार्बन से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे और ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला से की तरफ जाते। जैसा कि हमने देखा था ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला में जब हमें परसेंटेज दी हुई होती है किसी भी कंपोजिशन दिया हुआ होता है किसी भी फ्यूल का, तो हम ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला से कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यह बहुत डिटेल में दे दिया व्हेन बर्नड इन बॉम कैलोरीमीटर, तो 80% कार्बन का कोई मतलब ही नहीं है। तो व्हेन बर्नड इन अ बॉम कैलोरीमीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमें T1 की वैल्यू दी हुई है 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू हमें दी हुई है 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द कैलोरीमीटर कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें कैपिटल W दिया हुआ है 250 ग्राम एंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट। तो स्मॉल W होता है वाटर इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू हमें दी है 150 ग्राम। कैलकुलेट द HCV ऑफ द फ्यूल, हमसे H पूछा है, हमसे H पूछा है H क्या होगा। तो हम इसका एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, H या HCV या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बॉम कैलोरीमीटर से किस तरीके से, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल W प्लस स्मॉल W, जहां पर कैपिटल W है वाटर की अमाउंट, स्मॉल W है वाटर इक्विवेलेंट, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, यानी कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो इसको हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं अपॉन एक्स, ये हमें दिया हुआ है और हमसे HCV पूछा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। HCV विल इक्वल्स टू, तो कितना वाटर हमें दिया हुआ है, 250 प्लस 150 कैपिटल W प्लस स्मॉल W, 250 प्लस 150 इंटू T2 हमें दिया हुआ है 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 हमें दिया हुआ है 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो इस तरीके से अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 0.72। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आने वाला है 1000 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। इससे जब कभी भी आंसर आता है वो कैलोरी पर ग्राम में आता है। ठीक, सपोज अगर हमसे कहा होता गिव योर आंसर, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हमसे कहा होता गिव योर आंसर इन किलो जूल पर किलोग्राम, अगर हमसे ये कहा होता तो हम क्या करते, हमें पता है इसको हमारा जो आंसर आया वो कैलोरी पर ग्राम में आया है। एंड वी नो 1 कैलोरी विल इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। ठीक, तो इतने कैलोरी की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते तो ये हमारा आंसर हो जाता 1000
इंटू 4.18, दैट मीन्स ये आंसर आ जाता हमारा 4180 जूल पर ग्राम, या फिर 4180 किलो जूल पर किलोग्राम भी लिख सकते थे। ये हमारा आ जाता एचसीवी। तो एचसीवी हमने दो यूनिट में निकालना सीखा। अगर हमसे एचसीवी कैलोरी पर ग्राम में कहा गया तो ये आंसर आएगा इतना, और अगर हमसे जूल में कहा जाता तो ये आंसर होगा ये। हमसे एलसीवी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अगर हमसे एलसीवी पूछा जाता तो हम हमेशा एक ही फॉर्मूला है एलसीवी का, एचसीवी माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया, इसलिए ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप इस स्क्रीन पर दिखाई दिए जाने वाले न्यूमेरिकल का आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई होप आप सभी को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।